नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की खबर बारसोई से। बारसोई के चांपाखुर गांव में किसान की बेटी ने अपने परिवार का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही साथ पंचायत एवं प्रखंड का नाम भी रोशन किया है। जी हां, हम आपको बता दें कि चांपाखुर गांव प्रखंड के सुदूर क्षेत्र के लगभग 35 किलोमीटर दूर चांपाखुर पंचायत अंतर्गत आता है। बावजूद अतीफा ने 447 अंक लाकर कटिहार जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जी हां, इंटरमीडिएट का परीक्षा फल निकलने के उपरांत गांव में खुशी का माहौल उत्पन्न हो चुका है तथा अतीफा के घरों में बधाई देने के लिए स्थानीय लोगों का तांता भी लगा हुआ है। वहीं अतीफा वाहिद ने जानकारी देते हुए कहा कि मेरे पिता एवं माता की दुआ एवं गांव का प्यार से मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। इतना ही नहीं बल्कि इस मुकाम में पहुंचाने के लिए हमारे शिक्षक एवं कोचिंग सेंटर के संचालक का अहम भूमिका भी रही है। दिल से सभी की शुक्रगुजार हूँ। अतीफा वाहिद ने कहा है कि मुझे फिजिक्स में अंक जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए हैं। फिजिक्स के लिए मैं चैलेंज करूंगी। अतीफा से आगे क्या करना है पूछने पर बताया कि आगे चलकर MBBS चिकित्सक की तैयारी कोटा जाकर करूंगी तथा मुझे कामयाबी मिली तो प्रखंड के सुदूर क्षेत्र के लोगों का इलाज भी करूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता का सपना है कि मैं चिकित्सक बनूं ताकि यहां के लोगों का सेवा करने का मौका मिल सके। वहीं स्थानीय ग्रामीण चिकित्सक मोहम्मद समीम ने कहा है कि हमारे प्रखंड के लोगों का सर गर्व से ऊंचा की है। आतिफा को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। परिवार एवं शिक्षकों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं। वहीं आतिफा के पिता अबुल कलाम आजाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि किसान की बेटी जिले में तीसरे स्थान प्राप्त की है, मैं बहुत खुश हूँ। वहीं चाचा अब्बास ने कहा कि इन्हीं सब की मेहनत और विश्वास से आज ये मुकाम हासिल की है। सबों ने काफी मेहनत की है तथा इस मेहनत का हकदार सबसे पहले तो आतिफा है। अब यह नहीं कहेंगे लोग कि सुदूर क्षेत्र के छात्रा एवं छात्र किसी से भी कम ना ही पिछड़ा है। मेरी शुभकामना। सबसे ज्यादा सपोर्ट
घर में रह के भी मैट्रिक पास की है और अच्छे नंबर से पास की है। 85% है। चलिए हमारे आर वॉइस न्यूज चैनल 24x7 की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आगे आप तरक्की कीजिए। हाँ, बहुत सुदूर एरिया में आपका घर है, बहुत बहुत धन्यवाद।